तुमने जीवन में बहुत बड़ा सपना देखा है ना मेरे दोस्त, तो सपना पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत कारण होंगे तुम्हारे पास। परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता, लोग मेरे सपनों को समझते नहीं, परिवार वाले चाहते हैं मैं कुछ और करूं, लोग मेरे सपनों में मंजिल तक पहुंचने में मेरी मदद नहीं करते, इसी वजह से मैं फेलियर हूं। मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। चाहता तो हूं कुछ करूं, कुछ बड़ा, लेकिन लोगों के सपोर्ट न मिलने की वजह से नहीं कर पाता। गरीब हूं, पैसों की दिक्कत है, इस वजह से नहीं कर पाता। ऐसी बहुत सी समस्याएं तुम्हारे पास होंगी गिनाने के लिए कि तुम किस वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। अगर तुमसे कोई पूछने लग जाए तुम्हारे फेलियर का कारण, तुम्हारी असफलता की वजह, तो तुम इस पर पूरी किताब लिख सकते हो, बहानों के पहाड़ बना सकते हो, लेकिन बहानों से काम चलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें सफल होना है। और पूरे इतिहास के पन्नों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इन बहानों की मदद से सफल कहलाए, जैसा कि तुम करना चाहते हो। केवल बहानों के पुल बना रहे हो, पहाड़ बना रहे हो, जो कि तुम्हें असफल और अधिक असफल ही बनाएंगे, जो कि तुम्हारा लक्ष्य है नहीं। दोस्त मुझे एक बात बताओ, हर युवा, हर व्यक्ति आज मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे घंटों बिताता है, टाइम को वेस्ट करता है, जो चीजें उनके लक्ष्य को प्राप्त कराने में जरूरी नहीं है उन चीजों में टाइम बर्बाद करता है। इसमें कौन सपोर्ट करने आता है तुम्हें? तुम्हारे परिवार वाले कहते हैं, तुम्हारे यार दोस्त रिश्तेदार कहते हैं कि मोबाइल पे टाइम स्पेंड करो, इसके लिए तो तुम टाइम निकाल लेते हो, तुम्हारे पास टाइम आ जाता है। और जब बारी आती है सपनों को पूरा करने के लिए काम करने की, तब तुम्हारे पास बहाने आते हैं। तो बनाओ बहाने और रहो ना असफल लोगों की भीड़ में, जहां रहने में तुम्हें घुटन होती है और जिंदगी भर घुटन होती रहेगी अगर तुम इन बहानों को लात मारोगे नहीं। मोबाइल पे टाइम स्पेंड करते हो, बेवजह घंटों बिस्तर में पड़ के इधर उधर की बातें करते रहते हो, तब तो कोई सपोर्ट करने नहीं आता, फिर भी बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन जब सपनों को पूरा करने की बारी आती है, उसके लिए काम करने की बारी आती है, तब तुम्हारे पास तरह तरह के बहाने आते हैं, तभी तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्त कुछ नहीं, बस खुद को बेवकूफ बनाने की एक बेहतरीन तरकीब है। अगर बेवकूफ बने रहना चाहते हो तो ऐसे बहाने देते रहो, लेकिन अगर कुछ करना है तो इन बहानों को रास्तों से हटाना होगा। खुद को बहाने बनाने वाला नहीं, बल्कि सपनों को पूरा करने वाला बना, खुद के लिए बेहतर मार्ग बनाने वाला ऐसा व्यक्ति बना, तभी तुम कुछ ऐसा कर पाओगे जिसके तुम केवल सपने देखते हो। जब बिस्तर में पड़े रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो, फालतू की वीडियोस देखते हो, क्या तब भी कोई सपोर्ट करता है? कोई नहीं करता होगा, फिर भी आप करते हो। तब क्यों अपने सपनों को पूरा करने में बहाने बना रहे हो? क्यों उस मेंटल पेन का सामना नहीं कर रहे हो जो तुम्हें मेहनत करते वक्त होती है? शायद तुम्हें पता नहीं कि असफलता की कीमत सफलता की कीमत से कहीं ज्यादा होती है और तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अगर तुम सफल होने के लिए आज कीमत नहीं चुकाओगे, आज मेहनत नहीं करोगे, आज अनुशासन में नहीं आओगे, आज उन जरूरी कामों को नहीं करोगे जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाए, तो तुम्हें बाद में उन कामों को करना होगा जो तुम नहीं चाहते। तुम न चाहते हुए भी उन कामों को करोगे जो तुम्हें करने की इच्छा नहीं होगी। तुम्हारे आसपास लाखों उदाहरण होंगे जो ऐसे कामों में फंसे हुए हैं जिन्हें वो नहीं करना चाहते। क्या तुम भी उसी स्थिति में जाना चाहते हो? तुम्हें भी वैसी लाइफ चाहिए? यह तुम्हारा निर्णय होगा कि आज सफलता के लिए मूल्य चुकाओ और भविष्य में वो प्राप्त करो जो तुम्हें सुख दे, या असफलता के लिए मूल्य चुकाओ और वो प्राप्त करो जो तुम्हें दुख दे। हमेशा डिसीजन तुम्हारा होगा,
चुनाव तुम्हें करना होगा। कैसी जिंदगी तुम चाहते हो, कैसा भविष्य चाहते हो, और कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए करने, तुम्हें खुद ही करना होगा। तुम्हें सोचो ना, जब तुम्हें फालतू के काम करने होते हैं तब तुम्हें कौन सपोर्ट करता है? कोई नहीं, फिर भी तुम कर ही लेते हो। तो वैसे ही उन कामों को करो ही करो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने में सहायक हो, और तुम्हें करना ही होगा। अगर तुम वहां पहुंचना चाहते हो जिसके तुम सपने देखते हो, तो तुम्हें मेरी इन बातों को मानना होगा और जीवन में उतारना होगा। और मुझे उम्मीद है तुम ऐसा जरूर करोगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं।